एक बोल रहा है सर मैथ्स में मार्क्स नहीं आता, किसी और सब्जेक्ट में आता है कि वहां भी नहीं आता, वो जरूरी है, किसी और में आ रहा है इसका मतलब आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि ये तो है पर इस्तेमाल कहीं और कर रहे हो। सर बुखार है क्या करें? कुछ मत कर बेटा, जो करेगी बुखार ही करेगी, अब तू तो रेस्ट कर, सिर्फ उसको ऐसे बोल करने दे जो करनी है, थोड़े दिन में उतर जाएगी, फिर वापस से बैक टू द ग्राउंड, टेक रेस्ट। जब तक आपकी तबीयत अच्छे से सही नहीं है तब तक आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं। हाँ अगर आप रिलैक्स हो, रेस्ट कर रहे हो, एक तरफ मोबाइल चला रखा है आराम से देखते हुए, अच्छा लग रहा है, सुन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बोल रहा है सर मैथ्स में मार्क्स नहीं आता, तो बेटा वो मार्क्स कहाँ चला जाता है उसे पूछ, किसी और सब्जेक्ट में आता है कि वहाँ भी नहीं आता, वो जरूरी है, किसी और में आ रहा है इसका मतलब आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि ये तो है पर इस्तेमाल कहीं और कर रहे हो, और अगर कहीं और भी नहीं आता तो इसका मतलब मार्क्स आपसे रूठे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे। सिंपल सी बात है, वो अलग बात है मैं मजाक में हंसी खुशी में तुम्हें ये बातें बता देता हूँ, तुम्हें लगता है सर मजाक कर रहे हैं, नहीं जी सही है। अगर आपके मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो पता करो कि वो मार्क्स जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको बोला जाता है एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, वैसे ही मार्क्स इन दिस यूनिवर्स कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड कांट बी क्रिएटेड, वो फिक्स है। अब याद तेरे पास मान लो तेरे को भगवान ने दिए, या मान ले तेरे पास टोटल 120 नंबर 300 में से तेरे को दिए गए, 120 ज्यादा कम हो जाएंगे, चलो 180। अब तू खुद सोच कि तूने कैसे बांट रखे हैं वो। अगर ये वाली सिचुएशन है जो कि कभी होती नहीं है, 60-60-60, मैं तो ये बहुत बढ़िया मानता हूँ। जिन लोगों की मैथ्स वीक है वो मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दें, फिजिक्स केमिस्ट्री इग्नोर नहीं करनी है उसको, कम टाइम उनका टाइम थोड़ा थोड़ा कम कर दो, ज्यादा टाइम आप मैथ्स को देना स्टार्ट करो। अगर आपकी मैथ्स वीक है, मैथ्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स वीक है, तो फिर फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री मैथ्स को कम कर दो। और जिनके चारों ही या तीनों ही सब्जेक्ट बिलो एवरेज से नीचे लाए कर रहे हैं, तो बेटा आपको जो है वो बेसिक से चलना बहुत जरूरी है, आपके लिए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 बहुत जरूरी है, पहले उन पे काबू करो।